हेलो, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। दोस्तों, अभी अभी मैंने एक ट्रेलर देखा और ट्रेलर देखते ही मुझे सबसे पहला जो रिएक्शन था मेरा, एक तो था वाह, और दूसरा लगा कि इसका रिएक्शन तो डेफिनेटली बनाना चाहिए। आजकल वैसे मैं ट्रेलर रिएक्शन काफ़ी कम बना रहा हूँ, क्योंकि यार मतलब बात रही नहीं वो ट्रेलर्स में, तो मूवी देखने का ही डायरेक्ट मन करता है कि मूवी देख कर ही बता पाऊँगा कि मूवी कैसी थी या नहीं। बट माई का ट्रेलर देखने के बाद मतलब इट वॉज जस्ट स्टनिंग यार। माई एक वेब सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होने वाली है, कब ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड द सीरीज इज स्टारिंग साक्षी तन्वर, जो सेंटर ऑफ द सर्कल होने वाली है इस सीरीज़ में, और उनकी बेटिया करेक्टर यहाँ पर प्ले किया है वामिका गब्बी ने, जो आजकल बहुत ज़्यादा छा रही हैं। और यहाँ पर विवेक मिश्रान भी हैं और रायमा सेन भी हैं, इनके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे और बहुत टैलेंटेड कास्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ये सीरीज़ एक तो ट्रेलर ही बहुत धमाकेदार है, बट ट्रेलर आने से पहले भी काफ़ी टाइम से मैं फॉलोअप में था इस सीरीज़ को लेकर, इसके लिए आर्टिकल्स पढ़ रहा था, क्योंकि ये क्लीन स्लेट फिल्म्स का प्रोडक्ट है और क्लीन स्लेट फिल्म्स ने हमें पाताल लोक जैसी सीरीज़ दी थी, उसके बाद बुलबुल जैसी मूवी भी दी थी। और ये अनुष्का शर्मा और उनके भाई कार्नेश शर्मा, इन दोनों का बैनर है। अनुष्का शर्मा की भी एक रिसेंट अनाउंसमेंट की थी उन्होंने कि उन्होंने इससे बैक स्टेप कर लिया है, अब वो इसमें हिस्सेदार नहीं है। सो अब अनुष्का शर्मा के भाई कार्नेश शर्मा इसे चला रहे हैं। बट क्लीन स्लेट फिल्म्स का जो कंटेंट होता है, मतलब पतालोक से आप आइडिया लगा सकते हो। और माई का ट्रेलर देखने के बाद भी ये चीज़ बिल्कुल सही प्रूव होती जा रही है कि बहुत ही धमाकेदार कंटेंट लेकर आते हैं ये। सो गाइस, माई का ट्रेलर एक क्राइम थ्रिलर ट्रेलर है। यहाँ पर साक्षी तन्वर का जो करेक्टर है, उनकी बेटी वामिका गब्बी हैं, जिनको मोलेस्ट किया गया फिजिकली और फिर बाद में उनका मर्डर भी कर दिया गया, लाइक एक रोड एक्सीडेंट के अंदर। अब उसके बाद एक बिल्कुल ही आम जिंदगी जीने वाले गरीब लोग, जो साक्षी तन्वर की फैमिली है, अब ये पता लगाना चाहती है कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ या मेरी बेटी किन हालातों में मरी, क्योंकि इसे सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है। पहले तो बाय द बुक यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से ये पता करना चाहती हैं, जब अक्सर जैसा दिखाया जाता है कि इनका कोई साथ नहीं देता, तो फिर ये अकेले निकल जाती हैं अपने रास्ते बनाने को, और क्या ये पहुंच पाती हैं वहां तक या नहीं। सो दैट्स ऑल द सीरीज विल बी ऑल अबाउट, एंड द सीरीज इज गोइंग टू बी प्रीमियर्ड ऑन 15th अप्रैल। मतलब वैसे तो बहुत बड़ा दिन है, वैसाखी वीकेंड है, वो आपको KGF 2 देखने को मिलेगी, जर्सी थिएटर्स में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर OTT की बात करूँ, सो माई विल बी द बिगेस्ट कंटेंट एज फार एज हिंदी कंटेंट इज कंसर्नड। सो मैं डेफिनेटली माई को देखूंगा 15 अप्रैल को, और शायद एक मिनी सीरीज हो, लाइक यहाँ पर 6 या मैक्सिमम 7 एपिसोड्स होंगे, और ज़्यादा समय आपका नहीं लेगी ये सीरीज़। बट दोस्तों, ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। और सीरीज़ की अगर हम बैक एंड टीम की बात करें, तो जो क्लीन स्लेट फिल्म्स की अक्सर टीम रहती है, वही टीम यहाँ पर भी है। लाइक सीरीज़ को डायरेक्ट किया है अंशाई लाल एंड अंकित मोंगिया ने, अंशाई लाल जिन्होंने फिलोरी भी डायरेक्ट की थी क्लीन स्लेट फिल्म्स के लिए। सो बैक एंड की टीम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। सो माई से मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, देखिए और अपना रिएक्शन, अपनी फीडबैक मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट माय ट्रेलर रिएक्शन गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह ट्रेलर टीजर रिएक्शंस, वेब सीरीज मूवी रिव्यूज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट माय ट्रेलर। मिलूंगा जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।